साथियों नमस्कार, मैं मुकेश कुमार यादव, हमारे YouTube चैनल मुकेश कुमार यादव पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। साथियों आज अपन बात करते हैं कि जो वेरीफाई फॉर्म पड़े हुए हैं तो उनमें से कितने फॉर्म हैं वो अपलोड होंगे इस जुलाई में, ठीक है ना। देखो दोस्तों, ऐसा है कुछ YouTube चैनलों पर ये बताया जा रहा है कि 4 या 5 जुलाई तक आपके 20 से 25 हज़ार फॉर्म अपलोड हो जाएंगे। देखो साथियों, सच्चाई ये है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी 4-5 जुलाई से पहले न तो कोई फॉर्म अपलोड होंगे, ठीक है ना। हाँ इतना ज़रूर है आपके जुलाई में फॉर्म 101% अपलोड हो जाएंगे, लेकिन 4 व 5 जुलाई को फॉर्म अपलोड नहीं होंगे, क्योंकि आपने जो बेरोजगार भत्ते की जो साइट है उस पर आप SSO ID को ओपन करके चेक करना, जिसमें अपलोड का जो ऑप्शन आता है अभी वो बिल्कुल क्या है, उसमें स्टॉप दिखा रहा है। जब उसमें कमिंग सोन दिखा देगा तो आप ये समझ लेना कि लगभग 1 वीक के अंदर अंदर आपके फॉर्म अपलोड हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी वो स्टॉप दिखा रहा है। तो साथियों मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि भाई देखो, जो YouTube चैनल वाले भाई, आप भ्रमित मत करो, ठीक है। मैं इतना ही कहूँगा कि भाई देखो, आप वीडियो को छोटा बना लीजिए लेकिन उसमें आप सही जानकारी दीजिए, ठीक है ना। आप 4 या 5 मिनट का वीडियो नहीं बनाए, या आपकी इच्छा है तो बना सकते हो, लेकिन जो सटीक जानकारी देने का प्रयास आप ज़रूर करें, क्योंकि ये बेरोजगार हैं, इनको आप भ्रमित मत करो। और साथियों देखो, आपके जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है 1,60,000, ठीक है ना, वो नियम है और नियम के अनुसार साथियों को योजना आगे बढ़ती है। हर साल 1,60,000 फॉर्म अपलोड होंगे तो होंगे ही, ठीक है। और जो बीच में फॉर्म अपलोड कब किए जाते हैं, जो रिन्यूअल डेट आती है, तो जो रिन्यूअल नहीं करवाते तो साथियों उनमें जो कुछ फॉर्म बच जाते हैं उनको बीच में कभी भी अपलोड कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो 1,60,000 तो साथियों है ही हैं, और इनमें लगभग फरवरी से लेकर साथियों आपके जुलाई अगस्त तक के फॉर्म आसानी से अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा सरकार पर दबाव बनाएं साथियों, ताकि इस प्रक्रिया को ज़्यादा लंबा न लगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा समय लगेगा तो जो अधिकांश मात्रा में जो फॉर्म वेरीफाई पड़े हुए हैं तो साथियों वो 2022 में भी होंगे या उसके बाद भी समय लग सकता है। और जो कांग्रेस सरकार चली जाएगी तो फिर आपको ये लंबा चौड़ा पत्ता नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो आप गवर्नमेंट पर भी दबाव बनाएं और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।